قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إيه ماں مبارک جس وچ روزے ہوئے منادی او اے ہے ماں مبارک جس وچ روزے ہوئے منادی دوڑو لوگو پج پج لٹو تے رحمت پاک خدا دی او اے ہے ماں مبارک جس وچ تے لیل قدر ہے آئی ایک ہزار مہینے نالوں تے ود کے رب بنائی اوے سال پچھو تشریف لے آیا تے اے رمضان مہینہ جو نا اے دی قدر پچھانے تے او بے سمجھ کمینہ اوے مومنا لئی رمضان مبارک تے چن خوشی دا چڑیا بے دینا مجہولاں دے کر تے آن سے آپا وڑیا اے مومن تو رکھ لے روزے تے جویں تنوں سمجھایا سال پچھوں رمضان مبارک تے نال نصیبا آیا در کھول دے مولا رحمت دے ساڈے عیب گناہ سب معاف چا کر در کھول دے مولا رحمت دے ساڈے عیب گناہ سب معاف چا کر کر کرم دی بارش ہر ایک تے ساڈے سینے بغض تو صاف چا کر محروم نہ کر سانوں رحمتاں تو اج اپنی رحمت خاص چا کر اے سچ اے اسیں مجرم ہاں توبہ دا مضمون ہے نا اے سچ ہے اسیں مجرم ہاں تیرے بندے ہاں پر معاف چا کر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الاولین امام الاخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو بزرگو اللہ کریم دا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ رب رحمان نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر وچ دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کرو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ اے رمضان دا الوداعی خطبہ جمعہ ہے اللہ پاک جنہ لوگاں نے دیاں قدراں کی دیاں نے میرا رب ضرور معاف کرے گا
अल्लाह पाक भी अपनी रहमत फरमाए। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने ना जी तफसीर कबीर के अंदर एक बहुत अनोखा जा वाकया बयान किया है तौबा के हवाले के नाल। फरमाते पता कि एक बंदा एदा नाम है अब्दुल्ला, बहुत बड़ा डाकू सी, चोर आदमी सी, डकैतियां करने वाला। एक दिन इन्हू पता चलिया ना भी बड़ा माल वाला काफिला फुलाने जंगल के अंदरों की गुजरना है। इन्हें अपने चार साथी नाल लै उत्थे जाके डेरा ला लिया, पहले ही चला गया। एदा इरादा ये सी भी असी जाके इन्हों का काफिले नू नाका ला के लुट लवांगे। उत्थे गया ना, काफिला अजे लेट आना सी, अपने साथियों नू कहिंदा तुसी इत्थे ताश दे पत्ते खिलारो, मैं कजाए हाजत करके आया। ये कजाए हाजत ली गया ना ते बैठा वेखदा की है, एक कौआ है एक दरख्त तोड के ना दूसरे दरख्त ते जाके बैठ जाता है, बार 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 उड़ के बहिंदा है। ते इहदे दिल दे अंदर एक चिंगारी जी लग गई, दिल दे अंदर एक फिकर जी लग गई। आंदा है मैं पता ते करा ये कौआ इस दरख्त तो उड़ के इधर की लैन आंदा है। कंधा टप्पन दा वाल तेनू पहले ही आंदा सी, इन्हें लंगोटा कस्या दरख्त के उपर चढ़ गया ते जाके वेखदा की है इस दरख्त के अंदर एक बहुत बड़ी खड्ड है और इस खड्ड के अंदर एक बहुत बड़ा सप है जड़ा अखा तू नबीना है। ये जड़ा कौआ है ना अपनी चोंच के अंदर खुराक लेके आंदा है और ये मुँह के अंदर दाखिल करता है। ये आंदा अब्दुल्ला कमला होया फिरना है, जुलम करदा फिरना है, और जिस रब ने तैनू पैदा किया है उन्हें तेरे रिजक दे भी जिम्मे उठाया। जड़ा रब इन्हां खड्डा के अंदर सप्पा अन्यां नू रोजी दे सकदा है, अब्दुल्ला तैनू भी दे सकदा है। नीचे उतरिया ना ते तौबा कर ली, सच्ची तौबा। साडे वर्गी तौबा तो नहीं ना, कितने एक्सीडेंट वेख लो, कितने वादा घाटा, साडी तौबा जबान भी लाते, हाथ कन्न भी ला, साडी तौबा उतों अगे निकला ना फिर उ याद। दुआ करो अल्लाह सानू सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। ये अब्दुल्ला थले उतरदा है, अपने साथियों नू जाके कहिंदा है मेरी आज तू बाद सच्ची तौबा। आंदे ने अब्दुल्ला की गल बन गई है, आंदा अपना डेरा चुको अपना नाका हटाओ। आंदे ने अब्दुल्ला की गल अगे नाके लगे ने, आंदा नहीं नहीं मैं अब्दुल्ला दी आज तो बाद सच्ची तौबा। आंदे ने अब्दुल्ला असी ते तेरा सदका जारिया पे खाने साम, साड़ी भी आज तो बाद सच्ची तौबा। आंदा तौबा इंज नहीं जेड़े अद्दाद थान दे जनाब पगा सिर ते बनिया जे ये ला के सुट दियो, हराम दे पैसिया दिया ने जेड़े गल दे अंदर कपड़े पाए जे ये भी ला दो, अपने लाचे भी ला दो, सब कुछ ला दो। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इन्हें अपने थल्लियां दे अंदर लंगोटे पा लै, कपड़े उतार दिते ना, जुतियां उतार दितियां। ये पांच नंगे दरवेश जंगल के अंदर चलते जा रहे ने ना, चलदियां चलदियां एक मुकाम ते एक बुढ़ी माई है, एदियां अखां ही कोई नहीं, अखां तू नबीनी माई मिल पैंदी है ते आंदी पता कि खड़क पैरां दा सुनिया ते सुन कर माई ने आख सुनाया वे आवन वाले हो तुहाडे अंदर ते है कोई अब्दुल्ला आया, फरमांदे ने मैं अगे होके गया ना, मैं क्या खाला जी मैं ही अब्दुल्ला वा, मेरा नाम ही अब्दुल्ला है। ते ए माई आंदी है वे अब्दुल्ला अज मैं तुहाडियां दमतां पकाईयां ने, अज तुसी रात मेरे कोल ठहरोगे ना, मेरी हवेली दे अंदर ठहरोगे। माई अगे जा रही है, पंज नांगे दरवेश दे पिछे जा रहे ने। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ए बीबी इन्हां नू अपनी हवेली दे अंदर लै गई ना, जाके की वेखदे ने पांच पलंग लगे ने, उथे इन्हां दे लिबास भी मौजूद ने ते इन्हां दी खुराक भी मौजूद है।
ਇਹ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਰੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠਾਰ ਵਾਹਵਾ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਮਾਈ ਵਾਹਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ओ कहे अब्दुल्ला किस दसिया तैनू ते नाम मेरा ऐ माई माई कहे उस दसिया ही मैनू ते जिदे नाल कर ली तू सुला सफाई अज भी रमजान का आखिरी जुमा है तुसी भी अल्लाह दे घर च आए हो मैं भी अल्लाह दे घर च आया ना अज तहिया करके जाना है अज जनाब ये गल पक्की करके ही जानी है अल्लाह सोने अज तो बाद असी झूठ नहीं बोलांगे अज तो बाद हेरा फेरिया नहीं करांगे अज तो बाद दुध अंदर पानी नहीं पावांगे अल्लाह असी किते से जुलम नहीं करांगे ज्यादतियां नहीं करांगे अल्लाह पाक फरमांदे ने कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसहिम अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे महबूबा इन्हां नूं ਕਹੋ ਮੇਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ੂਲ ਇਹ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਨਾਮ ਚੰਦ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਕਾਫਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੜੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਨਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਐਤ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲੂ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ अल्लाह पाक फरमाते ने सुनिया तेरी उम्मत नू परेशान होने की लोड़ नहीं ना अल्लाह अल्लाह पाक फरमाते ने सुनिया इन्हां नू कह दे अपनियां जानां ते जुलम करन वाले हो अपने आप ते जुलम करन वाले हो आ जाओ मेरे दर ते मेरे मंगते ते फकीर बन जाओ मेरी रहमत तू ना उम्मीद ना होया जे मैं ते मुआफियां दी से ला दिती है ला तक ना तू मेर रहमत अल्लाह अल्लाह पाक फरमाते ने मेरी रहमत तू ना उम्मीद ना होया जे मैं ते तुहाडे लई माफ़ियां दे ऐलान कर दिते आ अल्लाह सोणिया जे असीं माफ़ियां मंग लईए असीं अपने गुनाहां तू माफ़ियां मंग लईए अल्लाह पाक फरमांदे ने इल्ला मन ताबा सच्ची तौबा करना तेरा काम है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात वकान अल्लाह गफूर रहीम फिर कहो आई मैं तुम्हें बुलाना फिर कहो अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरिया सोहणिया महबूबा ए सच्ची तौबा कर लैन ते केड़ी तौबा कर लैन या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा इन्हां दियां अखां नम हो जान इन्हां दियां अखां गिलियां हो जान बुलियां ढिलियां हो जान अल्लाह पाक फरमांदे ने अपने गुनाहां ते शर्म कर लैन नदामत इख्तियार कर लैना अल्लाह पाक फरमांदे ने सोणिया इन्हां दियां ज़नावां नूं इन्हां दियां तोखियां नूं इन्हां दियां चोरियां नूं इन्हां दियां रिश्वतां नूं इन्हां दे हर एक जुलम नूं नबी पाक दे फरमान दे मुताबक अल्लाह पाक फरमांदे ने सोणिया मैं नेकियां अंदर तब्दील करके जनता अलाट फरमा देंगा ओए वीर उस रब दे दर ते आ जा आंदे ने रहमत दा दरिया इलाही ते वगदा ही हर दम तेरा जे एक कतरा बख्शे सानू ते कम बन जांदा मेरा
जे वेखा मैं अपने अमलां वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले कुलिया इबादी अल्लाह जीना असरफू अला अनफुसेहिम ला तकना तू मेर रहमत इल्ला, जे मैं वेखा अपने अमलां वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ते फिर बल्ले ही बल्ले बल्ले, एक गुनाह मेरा लोकी वेखन ते देवन देश निकाला, एक गुनाह मेरा लोकी वेखन ते देवन देश निकाला, सौ गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ते परदे पावन वाला, दुआ करो अल्लाह सानू सच्ची तौबा नसीब फरमाए। नबी यूनस दी कौम है ते रब दा नबी अल्टीमेटर दे के चला जांदा है, आंदा है लोगो मुआफियां अल्लाह कोलों तुसी नहीं मंगदे, तिना दिनों के बाद अल्लाह का अजाब तुहाडे ते आ जाएगा ना, अल्लाह के अजाब का अल्टीमेटर दे के नबी ने अपनी बस्ती छोड़ दी है ना। जनाब बस्ती वाले नू पता चल जाता है, बस्ती वाले समझते ने जड़ा नबी बस्ती छोड़ के चला गया हो सकता है वापस वाकई अल्लाह का अजाब आ जाए, बस्ती वाले तैयार हो जाते ने ना, आते ने गल इंज नहीं बननी, इन्होंने बीबिया बच्चे जुदा कर दिते ना, बच्चों के कुलों मामा जुदा कर दितिया, डंगर के कुलों बच्चे जुदा कर दिते, डंगर भी मैदान अंदर इंसान भी मैदान के अंदर सारा कुछ ही बाहर लेके आ जाते ने, रो रो के तरले पे मारते ने, आते ने अल्लाह साढ़िया गुनावों को माफ कर देना, तो इधर रब का नबी है उम्मत अल्लाह के सामने तरले पे मारती है, तो रब का नबी जा कश्ती के अंदर बैंदा है, अल्लाह पाक फरमांदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह, ओए वीर है रब दा नबी है पर काला पै गया, इंसान है ही काला है ना, अल्लाह पाक ने मेरे नबी नू ताइयों ही ते फरमाया है, सोनिया नबी यूनस दी तरह काला ना पै जाई, नबी यूनस दी तरह जल्दबाज ना हो जाई, जल्दी ना कर बैठी, इधर रब दा नबी यूनस जाके बैठ जाता है कश्ती के अंदर, ते कश्ती पंवरा अंदर आ जाती है, कश्ती डुबन लग जा रब दे नबी वेखते ने एक कुर्रा पाते ने, आते ने जिदे नामे कुर्रा निकलेगा उन्हों कश्ती दे अंदरों थले सुट दिता जाएगा ना, एक दफा कुर्रा पाया दूसरी दफा कुर्रा पाया हजरत यूनस नबी का नाम निकलता है, तीसरी दफा कुर्रा पाते ने नबी यूनस का नाम निकलता है, ओए गौर करें जे शेखपुरियो इन्होंने चौके नबी यूनस जनाब दरिया समंदर के अंदर सुट दिता है, अल्लाह पाक ने एक मछली नू टेलीफोन कर दिते ने ना, और यूनस ने पुकारा ऐ अल्लाह फिर बैठ गया वो कश्ती में, हजरत नबी यूनस जनाब दरिया समुंदर दे अंदर चले जाते ने, अल्लाह पाक फरमाते ने अरे मछली मेरा नबी तेरे पेट अंदर आ रहा है, तेरी खुराक बन के नहीं बल्कि तेरा कैदी बन के, ओए वीर मछली दा काम ही खाना है, पर अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे नबी नू तेरा दंद भी नहीं लगना चाहिदा, एक समुंदरा दे अंधेरे एक पानी दे अंधेरे एक मछली दे पेट दे अंधेरे, अल्लाह अकबर अल्लाह, ते रब दा नबी की आखदा है आ सुनिया जे ध्यान नाल, वजनून इज़हबा मुगाज़िबन फजन्ना अल्लाह नखदिरा लई है फिज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतो मिनज़्ज़ालिमीन, रब दे नबी ने कुरान दी कवैद पढ़ी है, अपने जुर्मा का इकरार किया, तू भी अज इतने अल्लाह के घर अंदर आया है, अपने गिरेबान के अंदर चांग के अपने जुर्मा का इकरार कर लैन, अल्लाह को सच्चियां माफियां मांग लैन, सच्ची
तौबा कर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ओए दोस्ता मेरा रब बड़ा गफूर रहीमी ओते 100 बंदे दे कातल नु भी माफ कर देंदा है। ओए बड़ा गफूर रहीम है मेरा रब। आ सुनिया जे ना दोस्तों ध्यान दे नाल, ए जनाब नबी यूनस ने अल्लाह दे कोल दुआ कीती है ते अल्लाह करीम ने नबी यूनस दी दुआ कबूल कर ली है ते इधर कौम अल्लाह दे सामने सजदे पई होई है ना रो रो के अल्लाह कोल माफिया भी मंगदी है। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं किसे भी कौम ते अजाब आया अजाब कदी वापस नहीं किया पर इन्हां दा रोना मैनू इन्ना चंगा लग गया है इन्हां दियां माफियां मैनू इन्नियां चंगियां लगियां ने कि मैं सारिआं दे गुनाह माफ करके अजाब दूर कर दिता है। ओए माफियां ते कलम अज फिर अल्लाह सोणिया माफियां ते कलम अज फिर अल्लाह सोणिया गल ए पसंद तैनू ढेर अल्लाह सोणिया चंगे हाँ या मंदे हाँ अखीर तेरे बंदे हाँ। नबी यूनस की कौम कह रही होएगी ना ओए चंगे हाँ या मंदे हाँ अखीर तेरे बंदे हाँ आंदे आंदे होई साथों देर अल्लाह सोणिया माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोणिया तेरियां आतावां अगे मौला मेरियां खतावां की तेरियां आतावां अगे अल्लाह साडियां खतावां की तेरा नालू तेरा दे मुकाबले च की शेर अल्लाह सोणिया माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोणिया ओ गिण गिण दसा मैं खतावां अल्लाह केड़ियां गिण गिण दसा मैं खतावां अल्लाह केड़ियां मेरे कोलू हो गया हनेर अल्लाह सोणिया मेरे कोलू वज गया हनेर अल्लाह सोणिया माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोणिया। रब दे नबी दी उम्मत इंज रो पैंदी है अल्लाह पाक फरमांदे ने असी इन्हां दे गुनाह माफ कर दिते ना ते नबी यूनस रो पैंदे ने अल्लाह पाक फरमांदे ने नी मछलीए मेरे नबी ने मेरे कोल माफी मांग लई है इहनू सलामती दरिया समुंदर दे किनारे सुट दे। ओए उत्ते नबियां नू माफ कर दई अगर नबियां कोल गलती हो जाए नबी भी अपने रब की तरफे रुजू करते ने आकड़ते नहीं अपने गुनाहों ते डटते नहीं बल्कि नादम नादम हो जाते ने ना आंसू बहाते ने। हजरत नबी पाक दा सियाबी नबी पाक दे कोल आंदा है आके आंदा सोणिया मैनू नजात वास्ते की करना चाहिदा है आ फरमांदे ने मेरे सियाबी तेन कम करया कर तेनू अल्लाह पाक निजात ता फरमा देंगे। सोणिया केड़े तीन कम ने नबी पाक फरमांदे ने सब तू पहली गल ए वे अपनी जुबान ते कंट्रोल करया कर इहनू फजूल इस्तेमाल ना करया कर एवें लोग वास्ते ए अजियत दा बहस ना बनाया कर। दूसरी गल की है मेरे नबी फरमांदे ने अपने घर दे अंदर रहा कर घर नू बहुता पसंद करया कर। तीसरा मेरे नबी फरमांदे ने अपने गुनाह याद कर करके अल्लाह दे सामने रोया कर अपनिया गलतियां याद कर करके अल्लाह दे सामने नदामत इख्तियार करया कर ना अल्लाह पाक तैनू निजात अता फरमा देंगे। रब दा नबी है एदा नाम बाबा आदम है गलती हो जाती है कुताई हो जाती है ओए वीर पूरी उम्मत दा नहीं पूरे जहान दा बाप है। अल्लाह करीम ने सब तू पहला पैगंबर ते रसूल बनाया है नाम बाबा जी आदम नबी कुल भी खता हो गई मेरे नबी फरमांदे ने कुल्लु बनी आदम खताउन व खैरु खताइन तवाबून आदम दा हर बेटा ही गुनाहगार है आदम दी हर बेटी गुनाहगार है बेहतर गुनाहगार होए जिदे कोलो गुनाह हो जाए अपने गुनाहों की माफ़ी मंग लवे बेहतर गुनाहगार होए जिदे कोलो खतावां ते गलतियां हो जान अपने रब कोलो माफ़ियां मंग लवे ना। बाबा जी आदम नबी दे कोलो गलती हो जाती है ते बाबा अपनी गलती करके डटिया नहीं शैतान बेईमान डट गया ते रद्दिया गया बाबा जी चुग गए ते सदे गए
बाबा जी आदम ने भी फरमाते ने रब्बना जलमना अनफुसना वाइलम तगफिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरी। अल्लाह मैं अपनी जान ते जुलम कर बैठा वाँ, मैं गुनाह कर बैठा वाँ, मेरे सोने रब्बा मैनू मुआफ़ कर दे। अल्लाह जुल जलाल दी कसमे मेरे रब ने नबी आदम नू भी मुआफ़ कर दिता है ना। ओए वीर तू ते मैं अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरिया रहमत बड़िया वसी ने। अल्लाह पाक ऐलान करके कह रहे ने ला तक ना तू मेर रहमत इला मेरी रहमत तू ना उम्मीद ना होया जे। हदीस पाक दे अंदर आंदा है कियामत दा दिन होएगा दो बंदियां दे जहन्नम जान दे आड़ी नस जारी हो जाएंगे आर्डर दिते जाएंगे इन्हों दोवां बंदियां नू जहन्नम दे अंदर सुट दिओ ना। जिवें ही रब दा हुक्म सुनेंगे एक बंदा दुड़की ला के जहन्नम दी तरफ दौड़ पैगा ना। सामने अग भी बलदी है ये दुड़की ला के जा रहा है। एक बंदा आहिस्ता आहिस्ता कदी मेरे रब की तरफे वेखदा कदी जहन्नम की तरफे वेखदा कदी रब की तरफे वेखदा। अल्लाह पाक फरमाएंगे इन्हां दोवां मेरे को बुला के लियाओ। अल्लाह जी की गल है अल्लाह पाक फरमान गए ओ दौड़ के जान वाले तैनू की गल है मैं हुक्म कीता है ते सामने जहन्नम पलका भी मार दिए सामने जहन्नम दियां आवाज़ां बुलंद पियां होंदियां ने तू दुड़की ला के जा रहा है। ये आंदा है अल्लाह मैं दुनिया ते तुहाडा अखा मन्या कोई नहीं मैं क्या इत्थे ही मन के वेख लईए मेरे रब की रहमत जोश अंदर आ जाएगी ना मेरे रब दियां रहमतां जोश अंदर आ जाणगियां। अल्लाह पाक फरमान के जा मैं तेरे जिंदगी दे गुनाह माफ कर दिते ने। दूसरे नू अल्लाह पाक फरमान गए तू कदे पिछे वेखदा सैन कदे अगे वेखदा सैन एदी वजह की है। आंदा अल्लाह मैं कदी जहन्नम वल वेखदा सां कदी तेरी रहमत वल वेखदा सां कदी जहन्नम वल वेखदा सां कदी तेरी रहमत वल वेखदा सां। मैं सुनिया ते पढ़िया सी तेरी रहमत बड़ी वसी है मैं सोचदा सां मेरे रब की रहमत कदों जोश अंदर आ जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे तेनू इन्ना ही मेरे ते यकीन है ते जा मैं तेरी जिंदगी दे गुनाह माफ करके दोवां नू जनता अलाट कर दित्तियां ने। सही बुखारी अंदर लिखे है नबी पाक फरमाते ने एक बंदा फौत हो लग्या ना। ओ वीर फौत सारिया ने आना है मरते सारिया ने जाना है किसी ने इस जहान ते नहीं रहना किसी ने इस दुनिया ते नहीं रहना तेरे मेरे नबी नहीं रहे तेरे मेरे पाक पैगंबर नहीं रहे आमना दे दुरे यतीम इस दुनिया ते नहीं रहे एक लख दे चौबी हजार पैगंबर दुनिया ते नहीं रहे ते तू मैं किस बाग दी मूलियां वीर सारे नहीं तुर जाना है नाम। कहन वाला कहिंदा है जदों कंधा दिसन कहन वाला कहिंदा है ना। बाबा जी कारी अब्दुल हफीज रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल करते होंदे सन इंजे नबी पाक माशा सिद्दीका दी गोद अंदर लेते ने ते माशा सिद्दीका नबी पाक दा सर पियां दबांदियां ने नबी पाक ते आखिरी लम्हात ने मौत वाले असरात नबी पाक ते नज़र पे आंदे ने ते माशा सिद्दीका फरमांदियां ने ओए बारा रब मैनू बड़ी इन्हां दी नज़म पसंद आई बहुत पसंद है मेरा जी चाहता अल्लाह जुल जलाल की कसम बार बार पढ़ा। कारी साहब बहुत प्यारे अंदाज दे नाल बयान करते सन दुआ करो अल्लाह करीम कारी साहब की कबर नू जन्नत दा बाग बनाए। ऐसे भी तो बंदे दुनिया तो तुर जाते हैं ना किन्ना अजीम इंसान है जड़ा सारे जहान नू रुला के टुर गया है किन्ना कीमती बंदा है। इस वास्ते कहन वाले कहिंदे ने इंसान जदो दुनिया तू जाए जमीन रोंदी होए आसमान रोंदा होए तो सारा जहान रोंदा होए। ओए बारा रबी दी सुबह नूर उजाला सी सोने मुहम्मद पढ़ दे अल्लाहुम्मा बिर्रफीक आला सी नाल फरमांदे सन तेरा कारी कहिंदा है तेरा कारी कहिंदा है बड़े प्यारे अंदाज दे नाल आंदे ने ऐशा ने हाथ चुके मंगदी दुआवां अल्लाह मेरे मुहम्मद ताई दे दे शिफावां पर हुक्म मेरे अल्लाह वाला टलने ना वाला सी बारा रबी दी सुबह नूर उजाला सी सोना
सोना मुहम्मद पढ़दा अल्लाहुम्मा बिर्रफीक अल्ला सीन ओए हत्थां विच हाथ आ गया मौत वाला मामला ओए हत्थां विच हाथ आ गया नूरुल हुदा दे बस करनी है शाह वकत नंगई दुआ दे हुक्म मेरे अल्लाह वाला पूरा होवन ई वाला सी बारा रबी दी कल्ला पाकार साहब दी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए मां आयशा सिद्दीका दी अजमत और शान बयान करनी कारी साहब ते पासी अल्लाह पाक भी उस मर्दे दरवेश दी कब्र नू नूर नाल मुनव्वर फरमाए अल्लाह पाक सानू उन्हां लई सदका जारिया बनाए अल्लाहु अकबर अल्लाह ए बंदे दी मौत दा वेला करीब आ जांदा है इंज बिल्कुल मौत दे किनारे पहुंच जांदा है अपने पुत्रां नू बुलांदा है आंदा मेरे ओ पुत्रो जदों मैं फौत हो जावां जदों मैं मर जावां मेरी मैयत नू साड़ के एदी सुआ बना के समुद्र अंदर उड़ा दिया जे पहाड़ां ते उड़ा दिया जे एदियां बच्चियां ने वसीयत दे मुताबक इंज कीता ना नबी पाक फरमांदे ने कल नू कयामत दा दिन होएगा अल्लाह करीम इस बंदे नू बुलाणगे अल्लाह पाक फरमाणगे अरे मेरे बंदे तू अपने पुत्रां नू ए वसीयत क्यों कीती है ए कह गल मैं तुहाडे तू डर गया सां असल मामला है जे जदों भी बंदा रब तू डर जे ना फिर रिश्वत नहीं लैंदा झूठ नहीं बोलदा धोखा नहीं करदा ज़ियादतियां नहीं करदा आंदा है अल्लाह मैं आखरी वेले तुहाडे कोलों डर गया सां मैं इन्ना पापी बंदा रब दे सामने खिंज पेश कीता जावांगा मैं अपने रब नूं की मुँह विखावांगा मैं ते समझिया कि आ जिहड़ियां मेरियां जनाब मेरी जिहड़ी ए जिहड़ी मेरी ए खा के ए खत्म हो जाएगी मैं हिसाबो किताब तू बच जावांगा पर अल्लाह पाक ने इहदी खाक जमा करके बंदा अपने सामने खड़ा कर लिया ना आंदा है अल्लाह अखीर वक्त मैं तेरे को डर गया अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे बंदे तू मेरे को आखिरी वेले डर के सच्ची तौबा कर लिए ते मैं तेरे रब ने तेरे गुनाह माफ करके जनता अलाट कर दितियां ने ओए दोस्तों सच्ची तौबा करनी चाहिए है सच्ची तौबा करनी चाहिए है सही बुखारी अंदर लिखे है नाम नबी मूसा अलैहि सलातु वसलाम इंज करके निकल पैंदे ने हजरत मूसा नबी अपनी कौम नू नाल लैके कैद सालियां पै गई ने बारिश आउंदियां कोई नहीं अपनी कौम नू नाल लैके चटियल मैदान की तरफे चले गए ना चटियल मैदान के अंदर जाके दमाई तौर पर अल्लाह को दुआवां पे करते ने आंदे ने अल्लाह साडी जिंदगी दे गुनाह माफ कर दे अल्लाह साडे तो सख्तियां दूर कर दे ओए वीर कदी तू ही उठ पिया करना रात दे पिछले पैर उठ के अल्लाह गुरु दुआवां करया कर सजदे अंदर पै के अल्लाह गुरु दुआवां करया कर रकू अंदर खड़ा हो के रकू दे अंदर जाके क्याम अंदर खड़ा हो के रो रो के अल्लाह गुरु दुआवां करया करना नबी मूसा अपनी कौम नू नाल लैके चटियल मैदान दे अंदर चले जांदे ने उत्थे जाके अल्लाह साडे गुनाह माफ कर दे अल्लाह साडियां खतावां माफ कर दे ते अल्लाह करीम फरमांदे ने अरे मेरे नबी मूसा तेरी उम्मत दे अंदर तेरी कौम दे अंदर एक बंदा बड़ा पापी है बड़ा जालम आदमी है उन्हें जुलम बड़े कीते ने ज्यादतियां बड़ियां कीतियां ने बड़े जुलम कीते सू मेरे को माफी कोई नहीं मंगी जिन्नी देर तक तेरी मजलिस चू उठ के जाएगा नहीं मैं अल्लाह उन्नी देर तक बारिश नहीं पावांगा और जड़ा काना होए उन्हों अपनी कान खुड़क जांदी है उस बंदे नू पता लग जांदा है ये गल ते मेरे आस्ते ही कीती जा रही है ये पापी बंदे दे दिल दे अंदर तौबा वाली चंगारी जाग उठी ना इनू अग लग गई आंदा पता की आंदा है अल्लाह जे मैं पूरी उम्मत विचों निकल के जावां ते मैं मरदा ही अल्लाह जे ना जावां ते सारी कौम मरदी अल्लाह सोने मैं की करा अल्लाह पाक नू आंदा अल्लाह सोनिया मैनू अपनी रहमत दे नाल माफ भी कर दे अल्लाह मेरिया खतावां माफ भी कर दे वेखना मेरा रब माफ करन लग्या किन्ना कु टाइम लांदा चालिया सालां दा गुनाहगार चालीस साल जुलम करन वाला चालीस साल ज्यादती करन वाला अल्लाह करीम फरमांदे ने अखां गिलियां कर लै बुलियां टिलियां कर लै मैं तेरी जिंदगी दे गुनाह माफ करके नेकियां अंदर तब्दील कर देंगा
अल्लाह करीम ने बारिशा नाजल कर दितियां, इन्नी कोई गल मेरे रब ने कबूल कर ली ना। हजरत मूसा पैगंबर फरमाते ने आंदे ने अल्लाह वो बंदा मजलस चो उठ के गया नहीं, तुसी बारिशा पा दितियां ने, अल्लाह जी दसो ते सही वो बंदा है कौन है, मैं उन्हू वेखा ते सही। अल्लाह पाक फरमाते ने अरे मेरे मूसा जदो मेरा दुश्मन सी मैं कदी ओदा राज फाश नहीं कीता, हुण ते फिर मेरा सज्जन बन गया है। ओए वीर इस रब दे दर ते आ, अल्लाह दे कुलू तौबा कर लै। अल्लाह पाक फरमांदे ने गाफिर ज़म्बे व काबिल तौब शदीद ले काबिज तौल, मेरी रहमत भी बड़ी वसी है, मेरा अज़ाब भी बड़ा दर्दनाक है, जेड़े मेरे कुलू माफियां नहीं मंगते उन्हां नू फिर मैं पूछ ही लांगा ना। ये मेरे रब दे फैसले जे आ सुनिया जे ध्यान नाल, एक बंदा है बदनाम जमाना डाकू, बड़ा बदनाम जमाना डाकू, एदा नाम है काजी फुजैल बिन अयाज, सब को रहमतुल्लाह अलैह। काजी फुजैल बिन अयाज बदनाम जमाना डाकू, लोगों दिया इज्जत लुटन वाला, लोगों के माल लुटन वाला, लोगों दिया जदादा दे कब्जे करन वाला। काजी फुजैल बिन अयाज एक दिन डकैती करन लई किसी चौधरी दे घर छाल फलांग के गया ना, दीवार फलांगदा है उहदे घर दे अंदर चला जांदा है ते अंदरों आवाजा आंदिया ने अलम याने लिल्लज़ीना आमनु अंतक्षा कुलूबुहुम जिक्रिल्लाह। एक कारी है कुरान, कुरान पढ़ी जा रहा है नाल रोई जा रहा है, कुरान पढ़ी जा रहा है एक कुरान दी है तो बार बार पढ़ता है नाल रोई जाता है। ते काजी फुजैल बिन अयाज आंदे ने ओए फुजैल तू किन्ना नकम्मा आदमी है, किन्ना गुनाहगार बंदा है, लोगों ते जुलम भी करना है, लोगों ते माल भी लुटना है, लोगों दियां इज्जतां भी लुटना है, फिर भी रब कोलो नहीं डरदा। एक बंदा मुसल्ले ते खड़ा हो के अल्लाह कोलो डर डर के रोई जा रहा है। ओए दोस्तों दुआ करया करो, अल्लाह करीम सानू तौबा नसीब फरमाए ना, जे तौबा बंदे नू ना मिले इंसान दी जिंदगी कादी जिंदगी है, इंसान दी मौत कादी मौत है। ए काजी फुजैल बिन अयाज इन जनाब दीवार फलांगदे ने ओदे घर दे अंदर चले जांदे ने ते अंदरों कुरान दियां आवाजा आ रहियां ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने ओए मोमनो कदों वक्त आएगा तुहाडा दिल मेरे जिक्र दी तरफ झुक जाएगा, तुसी मेरे कोलों डरते ही नहीं, तुसी मेरे कोलो खौफ खांदे ही नहीं, तुसी मेरे कोलो डरदे ही नहीं। ओए ओ ए ओ हक जड़ा मैं हक दे नाल नाजल कीता है, तुसी मेरे कोलो क्यों नहीं खौफ खांदे जे। आ सुनिया जे ध्यान नाल, ए कुरान सुनदे ने डाकरां निकल जांदियां ने। ओए वीर कुरान दी इको आयत सुनिए, तू मैं कुरान दा पूरा पूरा कुरान सुन जाने, कुरान दे कई कई सिपारे पढ़ जाने ते सुन जाने, टस तू मस नहीं होंदे। ए फुजैल बिन अयाज रहमत जनाब कुरान दी कवायद सुनते ने ते रोना शुरू कर देंदे ने। तू भी कदी रात पिछले पैर उठ पिया कर, ओए उस रब नू मनाया कर जिस रब दे सामने कल नू क्यामत वाले दिन अल्लाह जुल जलाल की कसमें पेश किया जाएगा। ओए वावा लज्जत रात खलोने दी, हाथ बन के कैदी होने दी, ओए विच सजदे दे आजज रोने दी, जावा सजदे सीख झुकाने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, घत खैर मलंग मस्ताने नू। ओए वावा लज्जत रात क्याम अंदर, वावा नशे ने इस पाक कलाम अंदर, ओए वावा कोटनी इस जाम अंदर, साकी देख प्यास बुझाने नू, अल्लाह दे दीदार दीवाने नू, गत खैर मलंग मस्ताने नू। ओए वीर जिन्नू मेरा रब खैर ना पाए वो कदी भी हिदायत दी तरफ नहीं आ सकता है। ये कौन है काजी फुजैल बिन अयाज, उत्थे ही अल्लाह दा कुरान सुनते ने उवें ही वापस बैतुल्ला दे अंदर आ जाते ने, अल्लाह कोलो रो रो के माफिया पे मंगते ने, अल्लाह कोलो मगफरत पे मंगते ने। इंज बैतुल्ला दा तवाफ करदियां करदियां ना फजर दा टाइम हो जाता है, दो बंदे और भी तवाफ पे करते ने, एक कहिंदा यार छेती कर,
मैं किसे काम भी जाना है, आ तुर चलिए जल्दी दे नाल अपने घर चलिए। दूसरा कहिंदा ठहर जा, कोई पता ही फुजैल बार नहके ला के बैठा होए, फुजैल सानू लुटन दे इरादे नाल बैठा होए। फुजैल फरमांदे ने एदियां गल्लां मेरे अखना ते पईयां, अल्लाह जुल जलाल दी कसम रब दा कर सी ते मेरियां डाखणा निकल गईयां। मैं क्या ओए दोस्तों, अज तो बाद फुजैल ने अपने रब दे कोलों सच्ची तौबा कर ली है, तुहानू किसे कोलों डरन दियां जरूरतां नहीं। ओए वीर तुसी भी तौबा करो, मैं भी तौबा करां, अज इत्थे आए आ तौबा करके जावांगे। अल्लाह सोणिया साडी जिंदगी दे पिछले गुनाह माफ कर दे, अल्लाह साडे धोखे माफ कर दे, साडे जना माफ कर दे, साडियां खतावां माफ कर दे। अज तो बाद असीं सच्ची तौबा करने आ, अल्लाह सानू माफ कर दे। अल्लाह पाक फरमांदे ने ओए मेरे ओ बंदे ओ, मैं ते पहले ही इंतजारी दे अंदर बैठा, कोई बंदा मेरे दर ते आए ते सही, मेरे को माफिया मंगे ते सही, मैं रब उन्हें माफ कर दें। भाई मोहम्मद सैन की ख्वाहिश पूरी हो जाए। अल्लाह पाक फरमांदे ने ओए आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, अबू वगैरा दे तू क्यों जाना है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओए मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, और जोगीदार बुए बिठाया नहीं, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओए मारा सद मैं आप सवाली नू, देवा दांद ना भेजा खाली नू, अग्यों छड़िया ही मेरे दर आली नू, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओए खाली हाथियां में चोली भर देवां, तैनू माल औलाद ते जर देवां, तेरी हर मुश्किल हल कर देवां, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। फुज़ैल इब्ने अय्याज रहमतुल्लाह अलैह इन माफिया मंग लेंदे ने, तौबा कर लेंदे ने। हुण कौन है फुज़ैल? अल्लाह जुल जलाल की कसम, इस तू बाद हजरत फुज़ैल ने 30 साल अल्लाह दे दीन दा काम कीता, मुहद्दस बन गए ने। कैसे मुहद्दस बने ने? इन्हां दियां शागिर्दां दे अंदर अल्लाह करीम ने एक ऐसा शागिर्द पैदा कर दिता है जिहदा नाम है इमाम बुखारी सब को रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी हजरत फुज़ैल बिन अय्याज दे शागिर्दां दे अंदर हुए नाम। ओए वीर तू मैं क्यों नहीं पढ़ सकते? ये आंदा जी हजरत मेरा दिमाग मोटा हो गया है, मेरे को कुरान नहीं पढ़िया जाता। हजरत जी मेरे को सिपारे ने, मैनू एक पुलिस अफसर ने अगले दिन फोन किया, आंदा जी कारी साहब मैनू कुरान नहीं पढ़ना आंदा, किद्दी मत मारी इतकाफ से बैठा है। आंदा जी मैनू कुरान नहीं पढ़ना आंदा, कि मैं कुरान के उत्ते लैना इतने हाथ फेर के उंगलां फेर के तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ता रहा, यदा मैं सवाब मिलेगा, कुरान का सवाब मिल जाएगा? किड्डी मत मारी लोगों की, इंग्लिश पढ़ लेंगे, आ इंग्लिश के मैसेज पढ़ लेंगे ने, सारा कुछ कर लेंगे, नहीं पढ़ते तो कुरान नहीं पढ़ते? इनू अड़ अड़ के पढ़, इनू किसी भी तरीके अंदर पढ़। अल्लाह पाक फरमाते ने कारी कुरान मुसल्ले ते खड़ा होके पढ़ेगा, कल्ला सवाब देंगा। तू कुरान पढ़ेगा, अड़न का अलग सवाब देंगा, पढ़न का अलग सवाब देंगा। तू पढ़ते सही, अड़ अड़ के पढ़, किस तरीके पढ़ सही, एवं बिस्मिल्लाह देना ना सारी जा। अल्लाह पान फुज़ैल इब्ने अय्याज की उम्र काफ़ी हो गई है, पर हुण हसदे ही कोई नहीं, हुण हसदे ही कोई नहीं, अल्लाह दे दीन नूं सीखना शुरू कर दिता है, हासे खत्म हो गए ने। लोग कहिंदे ने हजरत जी तुसीं हसदे क्यों नहीं? आ फरमांदे ने जदों मैनू मेरे जुलम याद आते ने मेरियां टाकरां निकल जांदियां ने, जदों मेरे जुलम मैनू याद आते ने मेरे पैरां थलू जमीन निकल जाती है। मैं कहना फुज़ैल तैनू रब किंज माफ़ करेगा, फुज़ैल तैनू माफ़ियां किंज मिल जाणगियां? वीर तू मैं किन्ने
इख्तलाफ कर जाने दिन के अंदर किनिया ज्यादतियां कर जाने पर सानू फिक्र ही कोई नहीं, सानू आखरत का फिक्र ही कोई नहीं, सानू अल्लाह का डर ही कोई नहीं। वेखो ना फुज़ैल इब्ने अय्याज़ है वक्त का डाकू है, असी नमाजा पढ़ के नहीं डरते, वीर असी रोजे रख के नहीं डरते, असी नेकी दे काम करके नहीं डरते, ये डाकू रब गुलू डरिया बैठा है ते किंज डरिया है। इंज एक दिन बैतुल्ला के अंदर तुआ प्या करता है, वक्त का बादशाह जाता है ना आंदा फुज़ैल मंग ले जो कुछ मंगना है तेनू दे देंगा, मैनू पता चलिया तू नेक हो गया है अल्लाह वाला हो गया है। हजरत फुज़ैल फरमाते ने आंदे ने ओए बादशाह वा तेरी की हसीयत है, मैं तेरे कोलों की मंगा, मैं ते उस आली दर ते आया, मैं अपने रब नू छड़ के तेरे कोलों क्यों मंगा। एक दिन यही बादशाह किते बार मिल पैंदा है, आंदा फुज़ैल अज ते रब दा कर नहीं, अज ते रब दा डर नहीं, अल्लाह जुल जलाल की कसम मैं किसी नू दसांगा भी नहीं, ते मेरे कोलों मंग ले जो मंगेगा दे देंगा। हजरत फुज़ैल फरमाते ने आंदे ने ओए बादशाह वा अगर देना ही चाहना है, अगर मेरे ते फजल करना ही चाहना है, तो फिर मैनू अल्लाह कोलों जन्नत लै दे। बादशाह दियां डाकरां निकल जांदियां ने, आंदा फुज़ैल तू कैसा मुसलमान बन गया है, ये ते मैनू भी पता कोई नहीं, मेरे रब ने मैनू भी जन्नत देनी है कि कोई नहीं। हुण हज़रत फुज़ैल दा आलम की है, एक दिन बैठिया बैठिया अपने रब दे नाल वादे करदे ने, आंदे ने अल्लाह मैं तेरे नाल वादे करना, अल्लाह तू मेरे नाल वादे कर लै, अल्लाह दो वादे मैं तुहाडे नाल करना, अल्लाह जी दो वादे तुसीं मेरे नाल कर लो। अल्लाह पाक फरमांदे ने हाँ फुज़ैल दस। हजरत फुज़ैल आंदे ने अल्लाह पहला वादा ए वे तू मेरे बेटे नू तू मेरे पुत्र नू मेरे नालू बहुता नेक बना दे, अल्लाह ए मेरे वादा तू पूरा कर, ते मैं तेरे फैसलियां ते मुस्कुरांदा ही रहांगा, तेरे फैसले हंस के ही कबूल कर लांगा। दूसरा वादा की है, हजरत फुज़ैल आंदे ने अल्लाह मैनू दुनिया ते जन्नत ते बिशारत दे दे, मैं कदी तेरी ना फरमानी नहीं करांगा, अल्लाह सोणिया कदी तेरे हुक्मां दी ना फरमानी नहीं करांगा। हजरत फुज़ैल तहज्जुद लई उठदे ने, अल्लाह दे सामने क़याम करन लई उठदे ने, ते बेटा पहले ही मुसल्ले ते अल्लाह दा कुरान पढ़ी जा रहा है। आ फरमाते ने अल्लाह तू ते मेरी गल एवें सुन लईए, अल्लाह तू ते मेरे ते एवें फजल कर लैने। हजरत फुज़ैल इब्ने अय्याज रहमतुल्लाह अलैह दो तीन दिन गुजरते ने ते बेटा अल्लाह कोल चला जांदा है। लोग आंदे ने आके फरमाते ने फुज़ैल जी तुसी कैवें जनाब, हजरत फुज़ैल नूं आंदे ने फुज़ैल तू ते रोंदा ही कोई नहीं, जवान बच्चे टुर जान बंदियां दियां कमरां दोरियां हो जांदियां ने, रो रो के बाबे नबीने हो जांदे ने, तेनू खौफ ही कोई नहीं, तेनू डर ही कोई नहीं, तेनू अपने बेटे की मैयत का गम ही कोई नहीं। आप फरमाते ने लोगो के हो जिया गल्लां करते जे जे मेरे रब ने फुज़ैल दे वादे पूरे किते ने, ते फुज़ैल अपने रब दे वादे क्यों ना पूरे करे। ओए वीर रब कोलो इंज दा डर जा, अल्लाह तेरी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देना। नबी पाक फरमांदे ने, हजरत इब्ने उमर फरमांदे ने ए वाकया सानू नबी पाक ने एक बार नहीं सुनाया, एक बार नहीं सुनाया, बार बार कई बार नबी पाक ने वाकया सुनाया है। एक ज़ुल्किफ़ल नामी बंदा बड़ा जालम आदमी है, बड़ा डाकू बंदा है, लोगों दी इज्जत लुटन वाला है, लोगों के जनाब लोगों दे माला ते कब्जे करन वाला फुज़ैल ए जनाब ज़ुल्किफ़ल नामी बंदा है। एक दिन ये चाचे की बेटी ये कोल आ जाती है, आके आती वे ज़ुल्किफ़ल मेरे बच्चे भुखे पे मरते ही मैनू कुछ माल दे दे, मैनू उधार पैसे दे दे। ए जनाब ज़ुल्किफ़ल आंदा बीबी तैनू जरूर देंगा, पर तैनू मेरे नाल मूँह काले करने पैणगे, तैनू मेरे नाल बदकारियां करनिया पैण गईयां। ये कहती वे ज़ुल्किफ़ल एक बारी ते दे, मैं फिर किसी वक्त के अंदर आवागी, मैनू मोहलत दे दे फलां मोहलत लुटा देंगी। ये ज़ुल्किफ़ल पैसे दे देंदा है, मोहलत आ जांदियां ने, वक्त आ जांदे ने, बीबी पैसे नहीं दे सकती। ये आंदा है नी बीबी अज तैनू मेरे नाल बुराइयां करनिया पैण गईयां, अज मेरे नाल बेहयाइयां करनिया पैण गईयां। ओए वीर साडे मुआशरे दे अंदर अज ये मामले ही आम हो चुके ने, इस चीज़ की फिक्र ही किसे नू कोई नहीं। ए ज़ुल्किफ़ल नामी बंदा इंज इस बीबी नू कमरे के अंदर लैके जाता है, आप खुशबूआं ला के तैयार हो के कमरे के अंदर दाखिल होंदा ना, ए बीबी दियां डाकरां निकल जांदियां ने, बीबी दे पैरां दे थलू दी
जमीन निकल जाती है। और जड़िया नेक बीबिया होन वीर उन्होंने अपना रब याद आ जा करता है। ये बीबी सारो कतार रोंदी है तो ज़ुल्किफ़ल आखदा है आंदा बीबी मेरा नाम ज़ुल्किफ़ली मेरा नाम ज़ुल्किफ़ली जड़ा बंदा मेरा नाम सुनता है उंज डर जाता है। अगर तेरी तरफे कोई अख चुक के वेखेगा ओदी अख कट देंगा कोई तेरी तरफे उंगली करेगा ओदा हाथ कट देंगा। ए बीबी ने दिलू हो के ज़ुल्किफ़ल नू इंज हां मारी है ज़ुल्किफ़ल दे सामने इंज अल्लाह दी बड़ाई बयान की थी है। ज़ुल्किफ़ल दा दिल हिल के रह जाता है। ए बीबियां दी वे ज़ुल्किफ़ल मैनू लोगों दियाँ तानिया का डर नहीं वे ज़ुल्किफ़ल मैनू लोगों दियाँ गल्लां दा डर नहीं ज़ुल्किफ़ल मैनू डारी आसमाना वाले रब दा डारी जड़ा हर मुकाम ते तेरिया मेरिया बुराइयां पिया वेखदा है जड़ा हर मुकाम ते तेरे मेरे चंगे गंदे काम पिया वेखदा है। ज़ुल्किफ़ल दे अंदर वो तौबा वाली जंगारी जाग उठती है। ए ज़ुल्किफ़ल कहिंदा नहीं बीबी मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दे तू इत्थों चली जा। ए बीबी बाहर निकल जाती है ते ज़ुल्किफ़ल वुजू करदा है गुसल करदा है ते इंज रब दे सामने सजदे पै जांदा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे इज़राइल छेती जा ज़ुल्किफ़ल दी रूह कबज करके मेरे को ले आ। ओए वीर मेरा रब ते बहाने तलाश पिया करता है। ये रमजान दा महीना है बरकतां वाला महीना है रहमतां वाला महीना है ओदे दर ते आ जाना कहन वाला ताई ते कहिंदा माशाल्लाह मस्जिद भर गई है अल्लाह दे फजल दे नाल उतना हाल भी भर जांदा है बीबियां बढ़ जांदियां ने मेरियां मावां भैणां प्यार मुहब्बत नाल आने वालियां दुआ करो अल्लाह इस गुलशन नूं हमेशा आबाद फरमाए। अल्लाह जड़े नूं आबाद करन दियां कोशिशां करदा ही उहनां दियां घरां नूं आबाद फरमा। अल्लाह दा बल्ला बड़ा साहिब दिल बड़ी प्यारी गल करता है ना आंदा वाह वाह रौनक माह रमजान दियां इस रमजान दियां रौनक ने ना अल्लाह दा फजल है रमजान दा मेरे रब दा महीना साढ़े को आया वह ही फजल है। अगे पिछे भी बंदे इन्ने को आते हैं नहीं आते नमाजा टाइम नहीं आते दुआ करो अल्लाह सानू फसली बटेरा नहीं बल्कि अपना पक्का नमाजी बनाए अपना बंदा बनाए फसली बटेरा ना बनाए। ओए वाह वाह रौनक माह रमजान दियां सोने अल्लाह दे मेहमान दियां ए कड़ियां रहमतां बरकतां भरियां ने अज खुशियां मोमना ताई चढ़ियां ने पईयां रहमतां तंबू तां दियां वाह वाह रौनक माह रमजान दियां सोने अल्लाह दे मेहमान दियां ओ दिल मोमना दे पुर नूर होए नाल खुशियां विच मसरूर होए सुन सुन के आयतां कुरान दियां वाह वाह रौनक माह रमजान दियां। आए मेरे मौजू दे मुतलका बात आए होंदी रब दी आम मुनादी करो गुनाहां दी बर्बादी करो नेकियां दी आबादी रुतां आईयां ने रब नू मनांदियां रुतां आईयां ने आन सुबहांदियां वाह वाह रौनक माह रमजान दियां। ओए लगा जांदा रब दा परौणा जी लगा जांदा रब दा परौणा जी चंद दिन बाकी रह गए ने लगा जांदा रब दा परौणा जी फिर इन्हें किस्मत नाल आउणा जी की जिंदगियां ने इंसान दियां कदरां कर लो माहे सियाम दियां वाह वाह रौनक माहे रमजान दियां सुने अल्लाह दे मेहमान दियां। ओए दोस्तों गौर करिया जे जरा गौर करिया जे ए ज़ुल्किफ़ल सजदे पै जांदा है ते अल्लाह दे कोलों माफ़ियां मंगदा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने अरे मेरे इज़राइल छेती जा मेरे ज़ुल्किफ़ल दी रूह कबज़ करके लै आ। ज़ुल्किफ़ल फौत हो जांदा है सुबह ऐलान हुंदा है ओए ज़ुल्किफ़ल फौत हो गया लोग अल्लाह दे शुक्रिया अदा करदे ने आंदे ने अल्लाह तेरा शुक्र है इस ज़ालिम तों साडी जान छुट गई है अल्लाह तेरा फजल है इस ज़ालिम तों साडी जान छुट गई है। अल्लाह पाक फरमाते ने नहीं नहीं इन्हें मौत दे वेले इन्हें मरन लगे हम मरन तू पहला मेरे को माफी मांग ली है सच्ची तौबा कर ली है ते जेड़ा बंदा मरन दे वेले भी मेरे को सच्ची तौबा कर लवे अल्लाह पाक फरमाते ने ओदे जिंदगी दे गुनाह माफ करके नेकियां अंदर तब्दील करके जनता अलाट मैं कर देना वा।
ਓਏ ਵੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੌ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 99 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਜੇ ਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆ ਕਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਜੇ, ਓਏ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਬਚਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਪਾਪੀਆਂ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤਨ ਤੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 100 ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਬਸਤੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 100 ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਮਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਗਦੇ ਹੀ ਆਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਗਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸਹੀ। ਓਏ ਮੌਲਾ ਬੜਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ ਤੂੰ, ਰਹਿਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਨਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਐਬ ਕਰਦੇ ਪਲਾਂ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਤੌਬਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਲ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ, ਇੱਧਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ, ਜਹੰਨਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੰਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈ ਲੜਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਪ ਲਓ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਹਨਮੀ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਪਣ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੂੰ ਵਸੀ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰ ਵੀਰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਲ ਯਾ ਇਬਾਦੀ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਅਸਰਫੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਲਾ ਤਕਨਤੂ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿਲਾਹ। ਓਏ ਪੜ ਲੈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ, ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਉੱਠ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਛੱਡਣਾ ਜਹਾਨ ਅੜਿਆ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੁਕਮ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਪਿਆਰੇ ਵੇਲਾ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ, ਆਖਰੀ ਬਾਤਾਂ, ਓਏ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰੁੱਝ ਬੈਠੇ ਖਾਨ ਤੇ ਹੰਡਾਨ ਨੂੰ, ਵੇਖ ਲੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ, ਹਮਾਨ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚਾ ਗਿਆ, ਉੱਠ
जाग प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया टहनी न रहनी इथे फुल्लां दी बहार ओए टहनी न रहनी इथे फुल्लां दी बहार ओए सदा नहीं हूं मैं फलां ते सदा नहीं यार ओए सदा नहीं रहना इथे नजीर गुनाकार ओए सदा ना रहा है थे शरीफ गुनागार ओए टहनी न रहनी इथे फुल्लां दी बहार ओए सदा नहीं हूं मैं फलां ते सदा नहीं यार ओए सदा नहीं रहना इथे नजीर गुनागार ओए जेड़ा आके ते तैनू कुरान सुना गया उठ जाग प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया कुछ ना कमायो ही वेला सुत्या विहा गया अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह करीम सानू सच्ची तौबा दी तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।